नायक पिक्चर का अनिल कपूर है और उसको आपने फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिश्वत देने की बात कर दी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना वहां पर। हेलो एवरीवन, आपके जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ग्राफ बनाओ या टिक करो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये अधूरा क्वेश्चन है कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। पूरा क्वेश्चन ये है कि किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वैसे ही किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो उस कंफ्यूजन को मैं आज क्लियर करता हूं, बहुतों को ही कंफ्यूजन रहता है। तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। हो सकता है ना कि कोई कंडक्टर है, उसका कोई पीस हो, ये कंडक्टर का कोई पीस है, कोई टुकड़ा है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कोई वायर है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर का भी तो टुकड़ा हो सकता है कोई, जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ मतलब लेंथ, और एरिया तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी ज्योमेट्री और उसकी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। रो मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, या इसको ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है। किस चीज के लिए स्पेसिफिक होता है? किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए। मतलब रो तभी चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सिल्वर का वायर है, इसको आपने कट किया और इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो गई क्योंकि ये जो सिल्वर का वायर था अब ये गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा नहीं होगा। किसी सिल्वर वायर को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ चेंज होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, लेकिन वो सिल्वर का वायर सिल्वर का ही बना रहेगा, एल्यूमिनियम का नहीं हो जाएगा। मतलब उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मतलब यहां तक हमें समझ में आया कि लेंथ चेंज होने से रेजिस्टिविटी, मतलब लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी इन दोनों से चेंज नहीं होगी। ना तो लेंथ में चेंज होने से चेंज होगी, ना एरिया में चेंज होने से चेंज होगी। तो रेजिस्टिविटी चेंज होती कैसे है? एक तो हमने बात करी कि मटेरियल टू मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, इसीलिए तो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो। तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी उसकी क्यों है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है कि कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओ या रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओ, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल के अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये छुपरोस्तम टाइप है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ये टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है वो मैं बताता हूँ। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ के प्रूफ से आता है, ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ये होता है एम अपॉन एनई स्क्वायर टो, एम अपॉन एनई स्क्वायर टो, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, जहां पर एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर, और टो टो मतलब रिलैक्सेशन टाइम। जब भी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, तो वो आपस में कॉलिजन करते हैं, तो एक कॉलिजन से दूसरी कॉलिजन के बीच में जो टाइम मिलेगा उनको, जो रिलैक्स होने का, जो कि बहुत कम होता है, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, वरना बड़ी जल्दी जल्दी वो टकराते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि ये रिलैक्सेशन टाइम जो है खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। देखो, रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो खुद मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पर। मटेरियल पर इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि एन जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, वो मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होंगे, तो इसलिए वहां डिपेंड हो गया। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ज्यादा थर्मल एनर्जी दे रहे हो उन चार्ज कैरियर को, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जल्दी जल्दी वो टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जब टो डिक्रीज हो जाएगा, जब टो डिक्रीज होगा तो रो इंक्रीज होगा। कितना आसान है, टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब ज्यादा एनर्जी दी, जल्दी जल्दी टकरा रहे, जल्दी जल्दी टकरा रहे मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अधूरा क्वेश्चन होगा कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर से बनाओ, जब सब में ये कंसेप्ट लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जब सब में कंसेप्ट लग रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कंडक्टर है सेमीकंडक्टर है, क्या ही फर्क पड़ता है?
फर्क पड़ता है वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ये तो यूनिवर्सल है, ये सेमीकंडक्टर में भी लगेगा और कंडक्टर में भी लगेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, यस कंडक्टर की बढ़ती है लेकिन सेमीकंडक्टर की नहीं बढ़ती, उस पर अभी हम आएंगे। क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी कंडक्टर में, ये कोई कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रेंडम मोशन कर रहे थे लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनको मिलने लगी ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव एंड की तरफ चलने की कोशिश करने लगे। सारे पॉजिटिव एंड की तरफ चलेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, सारे नहीं चलेंगे, टकराते रहेंगे आपस में, कोई इधर जा रहा था पहले, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, मान लो ये ऐसे जा रहा था, तो इसका ओरिएंटेशन इधर होगा, इसका ओरिएंटेशन इधर होगा, इसका भी ओरिएंटेशन इधर होगा, ये ऐसे घूम के जाएगा, ये ऐसे घूम के जाने लगा, ये ओरिएंटेशन सबका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब उसी बीच में आपने क्या किया, अच्छे वाले बेचारे जा रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वाइब्रेशन बढ़ गया इनका, तो जो ओरिएंटेशन पॉजिटिव साइड था थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो रेजिस्टेंस आपने खुद बढ़ा दिया क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ा दी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही किसी कंडक्टर का जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कंडक्टिविटी दे रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ाओ गया, अच्छा वाला अपना काम कर रहा है, नायक पिक्चर का अनिल कपूर है, और उसको आपने फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिश्वत देने की बात कर दी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना वहां पर। तो इस वजह से किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी से हाथ धो बैठोगे, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में आपको ग्राफ दिए हुए हैं, पेज नंबर में डाल दूंगा अभी नीचे कहां पर, उनको अच्छे से विद वैल्यूज याद कर लेना क्योंकि वहीं से चेकिंग होगी। आप कोई से भी किताब पढ़ते हो लेकिन आपकी जो आंसर की वो एनसीईआरटी के थ्रू होगी। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर पर कि वहां पर आपने बोला जब ये यूनिवर्सल बात है तो यहां पर भी रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन यहां पर चेंज है। कंडक्टर खासकर मैं बात कर रहा हूं, ये सारा जो मैंने बात किया मेटल की बात करी है, मेटल इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पे मत अप्लाई कर देना, मेटल की बात करी। मेटल के अंदर होते हैं मेटलिक बॉन्ड, सेमीकंडक्टर में होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने लगते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं ये एक्सपोनेंशियली क्रिएट होते हैं, ऐसे नहीं कि दो चार क्रिएट हो जाएंगे लाखों में, बहुत सारे एक्सपोनेंशियली, और ये जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल होता है किस तरीके से टेम्परेचर के, एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। ये हटा देता हूं यहां से, ई जी मतलब ये हो गया एनर्जी बैंड गैप, सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस ई जी अपॉन के टी में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ये पूरी वैल्यू छोटी होगी, पावर छोटी हो रही है किसी की लेकिन वो माइनस की पावर छोटी हो रही है, तो मतलब एन जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम तो कम हुआ लेकिन सेमीकंडक्टर में, सिर्फ सेमीकंडक्टर में एन बुरी तरीके से इंक्रीज हुआ, और जब एन बुरी तरीके से इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली रो को वो डिक्रीज कर देगा। तो इफेक्टिवली जो रो है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो इसीलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो में, टो तो डिक्रीज हुआ लेकिन ये एन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, जिस वजह से टो का इफेक्ट अगर एक बार डाउन आया, मतलब एक बार अप होने वाला आया, इसके डाउन होने से ये अप हुआ लेकिन इनके अप होने से ये डाउन भी तो हो गया, तो ओवरऑल इसने तो एक दूसरे को कट कर दिया, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डाउन हो गई। तो अब याद रखना कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है, और वो मैं डाली दूंगा। तो ठीक है, आपको जहां तक है मुझे लगता है समझ में आया होगा, इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप याद कर लेना। अगर कभी भी ऐसा आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको सिर्फ थ्योरी लिख के नहीं आनी बोर्ड में, इसको लिखना है फिर समझाना है तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे, सिर्फ थ्योरी लिख के आ गए तो कोई मतलब वाली बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर वही रिपीट कर दिया, नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे फिर कितना कुछ कर लेना। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही वीडियोज में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।